इंदौर में सोमवार से सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। इंदौर में सोमवार से स्कूल शुरू हो गए हैं। इसके लिए स्कूलों को एक दिन पहले सैनिटाइज भी किया गया और स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को टीका लगाने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए शहर में 3 जगह पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। देखिए, राज्य स्तर से जो निर्देश आए हैं, चूँकि स्कूल खुलने जाना है, इसके लिए जितने भी महाविद्यालय हैं और स्कूल्स हैं, उनके सभी चिकित्सकों और उनके सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होना है। इसके लिए आज 26 तारीख को विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 3 केंद्र जहां बनाए गए हैं, जिसमें कि इंदौर क्षेत्र के आने वाले, शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी शिक्षकों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और स्कूल के कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में महाविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एक IPS और होलकर साइंस कॉलेज है, जहाँ पे महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सभी केंद्रों पे पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है, आवश्यकता होने पर और परिपूर्ति की जाएगी। करीब शहरी क्षेत्र में करीब 1200 लोग हैं जिनका कि वैक्सीनेशन किया जाना है, फर्स्ट और सेकेंड डोज में।